और बीकानेर से खबर है, पूगल ब्रांच में MWM माइनर का मामला है। 5 MWM और 6 MWM माइनर के टेल पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों ने लगाया है सुनवाई ना करने का आरोप। अधीक्षण अभियंता छत्तरगढ़ राम सिंह XCN ओम प्रकाश को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने यही समझा कि हम धरने पर बैठ जाते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है किसानों की तरफ से, और कहा है अधिकारियों की लापरवाही के चलते सिंचाई पानी की 2 बारियां पिट गई हैं। आगामी 20 तारीख को 5 किसानों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। पूगल ब्रांच के MWM माइनर का ये पूरा मामला है। किसान आरोप लगा रहे हैं जिम्मेदारों पर, कह रहे हैं कि हमने कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, समाधान नहीं निकला है, और यही वजह रही कि वो धरने पर बैठ गए हैं। सुनवाई ना करने का आरोप लगाया गया है अधीक्षण अभियंता छत्तरगढ़ राम सिंह और XCN ओम प्रकाश पर। किसानों का कहना है कई बार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से सिंचाई पानी की 2 बारियां पिट गई हैं, और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि किसानों ने यह चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, नहीं सुनी गई, तो 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को 5 किसानों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। सुनवाई ना करने का आरोप अधीक्षण अभियंता छत्तरगढ़ राम सिंह और XCN ओम प्रकाश पर। तो देखिए, मामला गंभीर है क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते सिंचाई पानी की 2 बारियां पिट गई हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हैं। लक्ष्मण, ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आखिर वजह है जिसकी वजह से किसान ये कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, सुनवाई नहीं हो रही, आरोप क्योंकि गंभीर है अधिकारियों पर। देखिए, पूगल ब्रांच के MWM माइनर का मामला है। किसानों का कहना है, उन्होंने बहुत पहले भी ज्ञापन दिए कई बार बाकायदा लिखित में, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लापरवाही भरा रवैया अपनाए हुए हैं, इसी बात को लेकर आक्रोशित है। इस ठंड में आप समझिए अंदाजा लगातार दूसरे दिन अपने सिंचाई पानी की बारी को लेकर धरने पर बैठा है। उन्होंने बात भी की है, स्थानीय विधायक को भी कहा है, तो कहा जा सकता है अब वे आक्रोशित दिखे, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है 20 जनवरी को। ऐसे में उन्होंने एक चेतावनी दी है कि हम सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे यदि हमारी बात पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अब आला अधिकारी, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त इस पर ध्यान देंगे और कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इस तौर पर देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि IGMP की जो अधिकारी है, वर्षों से जमे अधिकारी हैं, फिर क्यों नहीं सुनते उन किसानों की बात, ये भी एक बड़ा सवाल है। लक्ष्मण, कब से ये किसान धरने पर हैं? क्या अधिकारियों की तरफ से भी कुछ अपना पक्ष रखा गया है कि आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है? हमने बात करने की, कोई ये सामान्य रवैया रहता है IGMP अधिकारियों का, ये रेस्पोंड नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं किसानों को क्या रेस्पोंड करेंगे। तो हम जिला कलेक्टर से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है सकारात्मक, अब जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद संभवतः कोई हल निकलेगा। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।